हेलो फ्रेंड, पीटे के एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधा सूत, एक सूत, साढ़े तीन सूत, साढ़े चार सूत, साढ़े पाँच सूत, इस तरह के जो डिजिट है, जो माप है, उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे मापेंगे और वो कहाँ पे होता है, हम स्केल फुटपट्टे में आपको बताएंगे कि आप उसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसे समझ सकते हैं और स्केल फुटपट्टे में कहाँ होता है और इनके बीच में उसको अगर कन्वर्ट करना है एमएम है तो उसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि एक इंच में कितने सूत होता है। तो एक इंच में आठ सूत होता है। आठ सूत को हम लिखेंगे कैसे, तो आठ सूत को लिखेंगे तो आठ सूत हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक सूत कैसे लिखेंगे। तो एक सूत लिखेंगे 1/8, दो सूत लिखेंगे 1/4, तीन सूत लिखेंगे 3/8 और चार सूत लिखेंगे 1/2, पाँच सूत लिखेंगे 5/8 और छः सूत लिखेंगे 3/4, सात सूत लिखेंगे 7/8 और उसके बाद एक इंच पूरा होता है। तो बीच में सवाल ये आता है कि मान लीजिए अगर आपको तीन सूत का आधा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पाँच सूत का आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और सात सूत का आधा अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि स्केल फुटपट्टी में आधा सूत होता कहाँ है, एक सूत होता कहाँ है और एक सूत को कैसे लिखेंगे, दो सूत को कैसे लिखेंगे। और साथ ही साथ आप बताएंगे कि अगर एक इंच के बाद के मान लीजिए एक कोई बोल दे कि एक इंच ढाई सूत लिखो, एक इंच साढ़े तीन सूत लिखो, एक इंच साढ़े चार सूत लिखो, तो ये आप लिखेंगे कैसे और स्केल फुटपट्टी में ये होता कहाँ है। तो बात करते हैं कि एक सूत के अंदर अगर एक सूत हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो मैं बताया कि एक सूत को अगर लिखना है तो 1/8 लिखेंगे, उसमें एमएम साइज क्या होता है। तो अगर एक सूत को हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.175 और इंच में आएगा 0.125 आएगा। उसको अगर कोई बोल दे कि अगर एक सूत है उसको आधा कैसे लिखेंगे, तो आधा लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो 1/8 लिखा है, यानी ये जो है 1/8 लिखा है, तो 8 को आपको डबल कर देना है तो 1/16 हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 में 1.85 mm होता है और 0.0625 इंच होता है। अब मान लीजिए कोई बोल दे कि आपको अगर उसका आधा कैसे लिखना है, यानी एक सूता का आधा, तो आपने आधा सूता समझ गया 1/16 लिखेंगे। लेकिन 1/16 का अगर आधा लिखने को कोई बोल दे तो हम कैसे लिखेंगे। तो 1/16 का आधा हम इसको भी क्या करेंगे कि मान लीजिए 1/16 है तो जो 16 है उसको हम डबल कर देंगे तो 1/32 हो जाएगा, यानी 1/1/32 हो जाएगा। तो 1/32 अगर देखेंगे तो mm में 0.793 होता है और इंचेस में 0.031 होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो सूता का। तो दो सूता कहाँ पे होता है, तो स्केल में भी हम आपको लास्ट में समझाएंगे कि स्केल में दो सूता, तीन सूता या आधा सूता होता कहाँ है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, इसके पहले आप समझ गए कि एक सूता कैसे लिखते हैं और वो इंचे साइज में कितना होता है, एमएम साइज में कितना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो सूता आपको लिखना है तो दो सूता को 1/4 लिखते हैं, जो 6.35 mm होता है और 0.2500 इंच होता है। अगर इसको कोई बोल दे कि आधा करना है तो आपको 1/4 जो लिखा है उसको 4 को आपको डबल कर देना है। तो 4 को आप डबल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। 1/4 का आधा होता है 1/8 और mm में 1/8 होता है 3.175 और इंच में होता है 0.15। वहीं पे अगर इसका अगर आधा करते हैं, यानी 1/8 का आधा करते हैं तो होता है 1/16 होता है और mm की बात करें तो 1.587 और इंच का बात करें तो 0.625 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीन सूत का। तो तीन सूत में अगर तीन सूत को अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 3/8, तीन सूत को 3/8 लिखते हैं, जो mm में होता है 9.525 होता है और इंच में बात करें तो 0.375 होता है। अगर कोई बोल दे कि तीन सूत का अगर आधा करना है, यानी 3/8 का आधा करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको 3 के बाद जो 8 है तो 8 को हम डबल करेंगे तो 3/16 हो जाएगा। तो 3/16 हो गया 3/8 का आधा। तो 3/16 को हम अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो 3/16 mm में होता है 4.72 होता है और इंच में होता है 0.187 होता है। अगर कोई बोल दे कि अगर इसका आधा लिखना है या इसका आधा करना है तो कैसे करेंगे, तो 3/16 का अगर आधा करेंगे तो 3 वैसे ही रहने देंगे, जो 16 का है उसको हम डबल कर देंगे, यानी 3/32 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। तो 3/32 को अगर
एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 2.381 होता है और इंच में लिखने के लिए 1.193 होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 38 में लिखते कैसे हैं और 38 होता कहाँ है और 38 में कितना एमएम होता है। इसके बाद से बात करते हैं चार सूत का, यानी चार सूत को हम लिखेंगे 1/2, यानी एक इंच का आधा भाग होता है 1/2। तो 1/2 में कितना एमएम होता है, तो 1/2 में 12.7 यानी 12.7 एमएम होता है और इंच में लिखेंगे 0.500। अगर कोई बोल दे कि अगर हाफ इंच का आधा करना है, तो इसके पहले मैं बताया कि हाफ इंच का आधा 2 सूत होता है, यानी जिसको हम 1/4 लिखते हैं। इसके पहले मैं बता चुका है कि 1/4 में कितना एमएम होता है और कितना इंच होता है। इसके बाद अगर कोई बोल दे कि 1/4 का आधा करना है, तो 1/4 का आधा होता है, तो 1/4 का आधा होता है 1/8। तो 1/8 भी मैं बता चुका हूँ कि 1/8 एक सूत होता है, जो पहले मैं बताया। इसके बाद हम बात करते हैं पाँच सूत का। तो पाँच सूत को हम लिखेंगे कैसे, तो पाँच सूत को लिखेंगे 5/8 यानी 5/8 लिखेंगे। 5/8 को अगर हम एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 15.875 होता है, यानी 15.876 होता है और इंच में अगर लिखेंगे तो 0.626 होता है। उसको अगर हम 5/8 को आधा करेंगे, यानी ढाई सूत, कोई बोल दे कि ढाई सूत कैसे लिखेंगे, तो जो 5/8 लिखा है, जो 8 लिखा है, 8 को हम डबल करेंगे और 5 को ऐसे ही रहने देंगे, तो 5/16 हो जाएगा। तो 5/16 को अगर हम एमएम में देखते हैं तो 7.937 होता है और इंच में लिखने के लिए 0.312 लिखेंगे। अगर ढाई सूत को कोई बोल दे कि उसका आधा करना है तो कैसे करेंगे, तो जो 5 लिखा है यहाँ पे, वो 5 को हम क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे और जो 16 लिखा है यानी 16 लिखा है उसको हम डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 5/32 हो जाएगा। तो 5/32 में 3.96 एमएम होता है और 0.156 इंच होता है। तो इस तरह से आप ढाई सूत लिख सकते हैं, पांच सूत का आधा कर सकते हैं और उसका आधा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 3/4 का, यानी 6 सूत का। तो 6 सूत को हम लिखने के लिए 3/4 लिखेंगे और 3/4 में 19 mm होता है, यानी 90.050 होता है और इंच में 0.7500 होता है। अगर कोई बोल दे कि 3/4 का अगर आधा लिख के बताओ, तो 3/4 का आधा हम लिखेंगे 3/8, यानी जो 4 है उसको हम डबल कर देंगे और 3 वैसे ही रहने देंगे। और 3/8 को अगर एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 9.525 आता है और इंच में लिखने के लिए हम 0.375 लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर इसका आधा कोई बोल दे कि इसका आधा लिखना है, तो आप 3/16 जो 8 है, मतलब 3/8 लिखा है, तो जो 8 लिखा है उसको हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो 3/16 लिखेंगे और 3/16 का अगर हम आधा करेंगे तो 4.725 होता है और इंच में लिखने के लिए उसे 0.187 लिखेंगे। इसके बाद से हम बात करते हैं 7 सूत का, यानी 7 सूत का। तो 7 सूत को हम कैसे लिखेंगे, तो 7 सूत को लिखने के लिए 7/8 लिखेंगे और 7/8 को अगर हम इंच एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 22.22 होता है, यानी 22.225 mm होता है और इसको इंच में लिखने के लिए 0.875 हम लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 7/8 को, यानी 7 सूता को कोई बोल दे कि आधा करना है, तो थोड़ा टिपिकल होता है और यहीं पे आदमी फंस जाता है कि 7 सूता को हम आधा कैसे लिखेंगे। तो 7 सूता का आधा करना एकदम मैं जो इसके पहले बताते आ रहा हूँ कि उसको कैसे करेंगे, तो जो 7/8 है, तो जो 8 है यानी 8 है उसको हम डबल कर देंगे। किसी को भी आधा करना है तो उसको हम डबल कर देंगे और उसके बाद से वो आधा हो जाएगा। तो 7/8 का, तो 7 वैसे ही छोड़ेंगे और 8 को डबल करेंगे तो 7/16 हो जाएगा, यानी 7/16 को अगर एमएम में हम लिखते हैं तो 11.1125 होता है और इंच में लिखेंगे तो 0.137 mm इंचेस होता है। और अगर इसको आधा करना है, 7 सूता को आधा तो कर दिए, 7 सूता का आधा हो गया, और उसका आधा अगर करना है तो 7/32 लिखेंगे। और 7/32 का अगर एमएम में लिखते हैं तो 5.556 होता है और इंच में लिखेंगे तो 0.218 होता है। तो इस तरह से आप 7 सूता को समझ सकते हैं और 7 सूता को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 8 सूता। तो 8 सूता में पूरा 1 इंच पूरा हो जाता है। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है और
1000 पिलर होता है। तो 1000 पिलर क्या है इसके बारे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लिखना और एमए में कन्वर्ट करना तो आप समझ गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ए मेजरमेंट है वो कौन से निशान पे आता है। हम एक स्केल फुट पट्टी लेते हैं जिसके माध्यम से आपको बताएंगे कि 1-8 कहाँ होता है, 1-4 कहाँ होता है, 3-8 कहाँ होता है और ये सब कहाँ होता है। तो ये हमारे पास एक स्केल फुट पट्टी है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए अगर आपको 1 इंच का साइज लेना है तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर एक सूत का मेजरमेंट लेना है तो एक सूत यहाँ पे होता है, 2 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 2 सूत यहाँ पे होता है, 3 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 3 सूत यहाँ होता है, 4 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 4 सूत यहाँ होता है, 5 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 5 सूत यहाँ होता है, 6 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 6 सूत यहाँ होता है, 7 सूत का मेजरमेंट लेना है तो 7 सूत यहाँ होता है और 8 सूत में पूरा 1 इंच होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा 8 सूत होता है तो यहाँ पे 1 इंच पूरा होता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पे हम ये जो निशान है इसको हम लिखेंगे 1-8, ये जो निशान है इसको हम लिखेंगे 1-4, ये जो निशान है इसको लिखेंगे हम 3/8, ये जो निशान है इसको हम लिखेंगे 1/2 और ये जो निशान है इसको लिखेंगे हम 5/8 और ये जो निशान है यानी छठा सूत्र जो जिसको बोलते हैं उसको हम 3/4 लिखेंगे, 7वां सूत को हम लिखेंगे 7/8 और पूरा 8 होगा तो हम 1 इंच लिखेंगे, जो इसके पहले हम बताया कि mm कितना होता है और इंच में कितना होता है। तो इस तरह से आप सूत लिख सकते हैं और सूत समझ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 4 इंच 2 सूत लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 4 इंच 2 सूत आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद कोई बोल दे कि 4 फुट 4 इंच 4 सूत लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 4 इंच 4 फुट 4 सूत आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद से कोई बोल दे 3 इंच 2 सूत कहाँ होता है, तो दो सूत होता कहाँ है, तो आप स्केल लेंगे और स्केल में देखेंगे तो 3 इंच 2 सूत यहाँ पे होता है। और कोई बोल दे कि 4 इंच 2 सूत कहाँ होता है, तो पहले हम 4 लेंगे उसके बाद से 2 सूत जो मैं बताया था यहाँ पे होता है। अगर 4 इंच 2 सूत लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि 4 इंच कैसे लिखेंगे, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे मान लीजिए 4 इंच 1 सूत लिखना है, 4 इंच 2 सूत लिखना है, तो पहले आप 4 लिख देंगे, उसके बाद से जो सूत होता है जो मैं पहले बताया उसमें से कौन सा 2 सूत का आंकड़ा है। जैसे अगर 4 इंच 2 सूत लिखना है तो पहले 4 लिखेंगे उसके बाद से 1/4 लिखेंगे। इस तरह से आप 4 इंच 2 सूत लिख सकते हैं। इसके बाद से कोई बोल दे 5 इंच 2 सूत लिखना है तो 5 लिखेंगे उसके बाद से 1/4 लिखेंगे तो 5 सूत हो जाएगा। उसके बाद से कोई बोल दे कि 5 फुट 5 इंच 5 सूत लिखना है, यानी 5 फुट 5 इंच 5 सूत लिखना है, तो पहले 5 फुट को हम 5 ही रहने देंगे उसके बाद से 5 इंच लिखेंगे, फिर जो 5 सूत यानी 5/8 होता है, 5 सूत 5/8 होता है, तो यहाँ पे हम 5/8 लिख देंगे। तो इस तरह से फुट में भी लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मुझे आशा होगा कि आप 75% समझ गए होंगे। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिसका जवाब मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा।